हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि माई एसक्यूएल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर जो एसक्यूएल व्यू आता है उसमें हम किस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, क्या उसका डेटा टाइप होना चाहिए, वो हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। और आते हैं एसक्यूएल व्यू में। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैंने ओपन करा है, यहाँ ब्लैंक डेटाबेस चूज किया और यहां से क्रिएट पे क्लिक किया। आफ्टर क्रिएट क्लिक ऑन क्रिएट, हमको क्रिएट यहां पे जो दिया हुआ है यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर क्वेरी डिजाइन में जाना है और यहां से इसको क्लोज कर देना है। तो यहां पे एसक्यूएल व्यू शो हो जाएगा। अब यहां सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहां जो सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है इसको हमें यहां से हटा देना है क्योंकि हम यहां टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। आगे चल करके आगे की वीडियोस में मैं ये बताऊंगा कि इस सेलेक्ट का क्या मतलब है और इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं क्रिएट टेबल, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्रिएट टेबल। ये लिखने से टेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इसका कुछ नाम दे देता हूं, ठीक है। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं, ठीक है। तो यहां मैंने नाम दे दिया प्रैक्टिस, ओके। अब नीचे आएंगे तो यहां पर स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में अंतर है। आप एमएस एक्सेस सीखते थे तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे, यहां स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्प्लॉई आईडी। हम एम्प्लॉयज का डिटेल बना रहे हैं तो यहां पे एम्प्लॉई आईडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा एम्प्लॉई आईडी, तो यहां पे अंडरस्कोर लगाइएगा, गैप नहीं दे सकते आप, अंडरस्कोर लगा के लिखना होगा। तो एम्प्लॉई आईडी दे दिया। इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप होगा नंबर, ठीक है। इसके बाद चूंकि ये प्राइमरी की है तो दैट्स व्हाई आप इसको नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं नॉट नल, नॉट नल, ठीक है। इतना लिख दिया। आगे लिखता हूं प्राइमरी की, प्राइमरी की, इट्स ओके। अब यहां पे कॉमा दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट का जो लास्ट नेम है वो दे देंगे। तो यहां मैं लिखता हूं लास्ट नेम, ठीक है। तो लास्ट और नेम के बीच में फिर वही अंडरस्कोर लगाना होगा हमें, तो लास्ट नेम कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या देना है हमें, इसके बाद हमें देना है, अब देखिए यहां पर जो आईडी हमने दिया हुआ है एम्प्लॉई आईडी, इसका डेटा टाइप क्या दिया हुआ है, जो है ये डेटा टाइप ही है, देख सकते हैं यहां पे, ये जो नंबर है ये डेटा टाइप है। तो ये डेटा टाइप है, ठीक है, एक डेटा टाइप नंबर हो गया। अब यहां पे देखिए लास्ट नेम में क्या डेटा टाइप हम मेंशन करेंगे, यहां पे लिखूंगा मैं वेरिएबल कैरेक्टर यानी वेर कैर, ये भी एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। और इसकी साइज हम 20 रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे फर्स्ट नेम देंगे, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं बता भी चुका हूं, लास्ट नेम के बाद फर्स्ट नेम कर दिया हमने। इसके बाद इसका भी डेटा टाइप मेंशन करते हैं, यहां पे वेर कैर लिखा हमने और यहां पे मेंशन कर दिया 20, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके नाउ। अब हमें क्या करना है, यहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के लिए हम यहां लिखेंगे बर्थ डे, ठीक है, या बर्थ डेट लिख सकते हैं। तो बर्थ डेट लिख दिया हमने और यहां पर क्या करेंगे, डेट डेटा टाइप मेंशन करेंगे। डेटा टाइप क्या है, ये डेट है, ध्यान रखिएगा डेटा टाइप क्या है, इसका डेट है। तो डेटा टाइप ऑल्सो शुड बी मेंशन, वो भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं नॉट नल, ठीक है, नॉट नल माने आप खाली नहीं छोड़ सकते इसको, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी चाहूं वेरिएबल कैरेक्टर जो हमने लिखा है, यहां पर भी हम नॉट नल दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको रहने देता हूं। अब ये लास्ट में हमें कुछ नहीं देना है यहां पे, ठीक है। हमने यहां ब्रैकेट ओपन करा था तो नीचे यहां ब्रैकेट को क्लोज भी कर देते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट को। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम डेटा को इसको रन करवाया हमने। तो यहां पे देखिए रन हो गया और यहां पे ये इस तरह से क्रिएट होकर आया है। तो आइए देखते हैं कि एम्प्लॉई आईडी और ये सारी डिटेल हम कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एम्प्लॉई आईडी 1 हो गया, ठीक है, और लास्ट नेम क्या हुआ, सिंह हो गया, और यहां पे लिखा हमने सूरज, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां बर्थ डेट पे जैसे ही आते हैं तो जो एक्सेस वाले में जैसे आपको देखते थे कि जो बन के आता था वैसे ही ये बन के आ जा रहा है। और यहां जो 20 है इसको हम चेंज करेंगे, यहां 1998 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा डेटा, यहां पे 2 लिखा हमने और यहां पे तिवारी कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर राम, ठीक है। तो ये यहां पे आ गया। तो अभी इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहां से ये डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं हम और यहां से चेंजिंग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1990 कर देता हूं मैं इसको।
तरीके से करके हम डेट ऑफ बर्थ भी आराम से मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि डेटा टाइप क्या है इसका, ठीक है। आलम, और यहां पे लिखा हमने जावेद, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब यहां पर आएंगे तो क्या करेंगे, यहां पे हमें लिखना होगा, ये देखिए ये है, अब यहां मान लीजिए 2 जनवरी है और यहां पे है 1992, तो यहां पे इस तरह से, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। इसी तरह से करके हम आगे की डेटा एंट्री भी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बोल्ड बनाना है, यहां से बोल्ड बना लीजिए, ये सारा कुछ बोल्ड में हो जाएगा, सारी चीजें वही हैं लगभग। और माई एसक्यूएल अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो काम करने का तरीका भी यही होगा आपके, ठीक है। ये तो एक प्रैक्टिस के लिए कि किस तरह से एसक्यूएल में हम काम करेंगे, इस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है, इस पे भी काम करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।